ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं की गई। तो गए वो कुछ पीछे कल ठीक है ले लिया उन्होंने ठीक है वो, लेकिन कार्रवाई एक तरह से होती है जिनको सस्पेंड करना, क्योंकि काफी गंभीर आरोप है। पॉक्सो के तहत मामला शुरू में दर्ज हुआ था, बाद में फिर वो कैसा प्रेशर गेम बना ये भी कहा गया। जांच पूरी होगी, देखिए जांच उसके अंदर रवि जी पूरी जांच की जाएगी, अगर आरोपी है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और गंभीरता से जांच की जाएगी। रोहित जाखड़, सरकार पे भरोसा करना पड़ेगा सभी खिलाड़ियों को। ठीक है, रोहित जाखड़ साहब हमारे साथ बने हुए आरएलडी की तरफ से। रोहित जी, क्योंकि कहा यह जा रहा है, हमने ये देखा है कि एक तो ये खिलाड़ियों के सम्मान की लड़ाई है, लेकिन दूसरी तरफ हम बीजेपी का एक स्टैंड देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, जिसमें जाट वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, क्या ये उस चुनावों का इंपैक्ट माना जाए या एक बड़ी वजह मानी जाए जिसकी वजह से सरकार ने यह फैसला वापस लिया है, नई बॉडी को सस्पेंड किया है? रवि जी, आज मैरी क्रिसमस है, आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि, और अटल जी की जयंती है, उनको भी श्रद्धांजलि। लेकिन ये अटल जी के दौर की भारतीय जनता पार्टी नहीं है रवि जी। जहां अभी दुबे जी को मैं सुन रहा था, दुबे जी कह रहे हैं सरकार पे विश्वास करना पड़ेगा। अरे सरकार पे विश्वास कर रहे हैं जभी तो इतना रुके, सरकार पे विश्वास कैसे करें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद भवन में सड़क छाप भाषा से भी निम्न भाषा पर एक सांसद के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दानिश अली के, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो सांसद सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उन 150 सांसदों को आप एक्सपेल कर देते हैं, क्योंकि ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तय करने के लिए सवाल पूछते हैं। और उस सवाल पूछने पे उपराष्ट्रपति जी, सभापति जी उस सवाल पूछने को अपने जाति और किसान बिरादरी के अपमान से जोड़ते हैं। अरे किसान बिरादरी का अपमान जब नहीं हो रहा था क्या, जब 13 महीने तक किसान आंदोलनरत था, जब 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, ठिठुरती ठंड में मूसलाधार बारिश में वो बॉर्डर पर पड़े रहे। लेकिन आज सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह क्यों है? जो किसान आंदोलन स्थगन के बाद जो बातें तय की गई थी 2021 में, आज तक उन बातों पे कोई चर्चा नहीं हुई, कहां है एमएस? और ये जो फैसला कल आया है जिसे आप कह रहे हैं कि बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, क्या होता है रद्द होना? अगर सरकार को फैसला लेना है तो इसको क्या सस्पेंड करने के बजाय इसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? क्यों इस प्रक्रिया को इतने आगे तक लिया जाता है? और जाट वोटरों की बात करते हैं, जब भी चुनाव आता है रवि जी, ये लगातार जाति को आइसोलेट करने का काम करते हैं। अब जाट जाट करके चिल्ला के उत्तर प्रदेश में जाट को भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनाते हैं, और हरियाणा में 35 बनाम 1 की लड़ाई इनके सांसद ही लड़वाते हैं। तब जाट के मान सम्मान को ये देखते नहीं। जब महिला पहलवान, जिस महिला पहलवानों ने महिला शोषण जैसे गंभीर अपराध के खिलाफ 40 दिन तक आंदोलनरत रही, उनके खिलाफ बर्बरता हुई, उस बर्बरता के बाद जो देश ने देखा क्या वो उचित था, और जिस भारी मन से साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लिया, उस बेटी ने जिसने देश के तिरंगे को विश्व पटल पर लहराया, एकमात्र खिलाड़ी, उसने भारी मन से संन्यास लिया। क्यों? क्योंकि आज किसान आशंकित है कि उसकी बेटी अगर कुश्ती और खेल में जाएगी तो कहीं महिला शोषण की शिकार ना हो जाए। रोहित जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, जब किसान आंदोलन हुआ था कई किसानों की जान गई, लगभग एक साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे दिल्ली बॉर्डर पे, और जब सरकार ने फैसला वापस लिया उसके बाद चुनाव हुए, और यूपी में क्या हुआ, जो वेस्टर्न यूपी है मुजफ्फरनगर वाला एरिया, उसमें बीजेपी को बहुत प्रचंड जीत मिली। तो ये आप मानेंगे ना कि बीजेपी ये सब चीजें मैनेज करने में मेरी बात सुन लीजिए रवि जी, मुजफ्फरनगर में 6 सीटें हैं, 6 में से 5 राष्ट्रीय लोकदल जीता हुआ है। शामली में 3 सीटें हैं, तीनों की तीन राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जीता हुआ है। मेरठ में 7 सीटें हैं, 7 में से 4 सीटें में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जीता हुआ है। ऐसा ही बिजनौर देख लीजिए। मेरा कहना यह है पश्चिम में इंपैक्ट आया, लेकिन जो प्रत्याशित था वो परिणाम नहीं आए। उन परिणामों को लोगों को, इसीलिए तो आज प्रश्न ज्यादा बड़ा हो गया है कि उस समय जब किसान आंदोलन स्थगन किया, वो बहुत बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने पहला फैसला पूरे शासनकाल में वापस लिया था, लेकिन उसमें वापस लेने के बाद किसान को मिला क्या? किसान मरा, किसान आंदोलनरत रहा, किसान अपमानित हुआ,
उसे आतंकवादी खालिस्तानी ठीक है पाकिस्तानी कहा गया ठीक है, ठीक है। यही तो सवाल हम उठा रहे हैं, यही तो सवाल उठा रहे हैं।